सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। बहुत सारे लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से बड़े चिंतित हैं कि उनका वजन बहुत बढ़ गया है एंड दे रियली वॉन्ट टू रिड्यूस देयर वेट, और उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि वज़न घटाना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, लेकिन स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। कई बार ऐसे ऐसे डाइट्स, ऐसे ऐसे फैट डाइट्स को अपना लेते हैं कि वो उनके ओवरऑल स्वास्थ्य को ख़राब कर देती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप हमारे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं जहां हमने साझा किया है कि कैसे डे टू डे लाइफ के कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन जो आप दैनिक दिनचर्या में अपना सकते हैं और आप चलते फिरते डे टू डे लाइफ में भी अपना वज़न घटा सकते हैं, लेकिन साथ में योगाभ्यास बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे दर्शकों ने हमसे पूछा कि कोई ऐसी योग की क्रियाएँ आचार्य जी बताएँ, कम्प्लीट शेड्यूल बताएँ। तो आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ अ कम्प्लीट शेड्यूल फॉर बिगिनर्स फॉर वेट लॉस, यानी वो लोग जो बहुत नियमित रूप से योगाभ्यास नहीं करते हैं, योग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो इस शेड्यूल को अपना सकते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीट 20 मिनट्स ऑफ शेड्यूल विच कैन बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन, और जो जो क्रियाएँ ऐसी हैं जो किसी प्रत्येक समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को नहीं करनी है, वो हम साथ में मेंशन करते जाएंगे। आप इन क्रियाओं का अभ्यास या तो सुबह खाली पेट कर सकते हैं या शाम को खाली पेट कर सकते हैं, दिन में भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो भी समय हो आपके अभ्यास का, आपके भोजन और अभ्यास के बीच में, यानी भोजन से आपके अभ्यास तक कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ढीले कपड़े पहन करके योगाभ्यास करें। ये ध्यान रखें कि पेन लगा करके या बेल्ट लगा करके इन क्रियाओं का अभ्यास ना करें। हाँ, ऑफिस योगा जो हम शेयर करते हैं वो फिर भी आप कर सकते हैं एक बार को, लेकिन नॉट दीज प्रैक्टिसेस विच वी आर शेयरिंग राइट नाउ। अदर देन दैट, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई भी प्राकृतिक कॉल यानी यूरिन पास करने जाना है या गैस पास हो रही है या आपको स्टूल डिस्चार्ज बीच में महसूस होता है, तो उसको होल्ड नहीं करेंगे योगाभ्यास करते हुए। आप जाएंगे और वो डिस्चार्ज करके फिर अपनी रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। योगाभ्यास के बीच बीच में पानी पीना ये उचित नहीं है, तो कोशिश करें कि योगाभ्यास के बीच में पानी ना पिएं। योगा मैट पर अभ्यास करें, बहुत गुदगुदे गद्दे पर अभ्यास ना करें, और खुली हवा में अभ्यास करें, यानी बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में या जहाँ सफोक हो, जहां अच्छे से वायु नहीं हो, वहां पर अभ्यास करना अनुचित है। आइए जानते हैं ये कौन सा पूरा शेड्यूल है 20 मिनट्स ऑफ भारत योग प्रैक्टिसेस फॉर वेट लॉस फॉर बिगिनर्स आपके लिए। इनका नियमित अभ्यास करें, हमारा चैनल देखते रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें, और इनको अपने प्रियजनों के साथ साझा भी करते रहें, अपनी समस्याएं भी हमें भेजते रहें, ताकि हम आपकी समस्याओं पर नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद। कपालभाति के लिए पद्मासन में बैठे हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें बंद। इस प्रकार से धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं एक्सहेलेशन की, और 20वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दें और फिर गहरा सांस भरना, यानी 20-20 के राउंड भी कर सकते हैं आप, रेगुलरली भी इसे कर सकते हैं। मृणाल गति के लिए एड़ी पंजे मिलाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को सर के ऊपर ले जा करके आपस में मिला देना, फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना। सांस और भरते हुए कमर से अपने पूरे शरीर को राइट साइड बेंट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बेंट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। 10-10 बार इस क्रिया को दोनों तरफ दोहरा करके शरीर को ऊपर की ओर खींचना, हाथों को वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। कंध गति के लिए एड़ी पंजे मिलाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को सामने की ओर फैला दें ऐसे कि पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए सांस भरते हुए अपनी कमर से लेफ्ट साइड से ऐसे ट्विस्ट करें कि राइट हथेली लेफ्ट कंधे को छू जाए। जितना संभव हो उतना ट्विस्ट करना और यथा सामर्थ्य स्थिति को रोकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से दाईं ओर से ट्विस्ट करें ऐसे कि बायां हथेली आपके दाएं कंधे को छू जाए।
इस स्थिति में अपनी कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य सांस भीतर रोक करके इस स्थिति में रुकना, फील द ट्विस्ट, और फिर धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें अभ्यास करते हुए, 10-10 बार दोनों ओर दोहरा करके हाथों को वापस ले आएं, आपस में मिला दें, पैरों को भी खोल लें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। त्रिकोण आसन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल लेंगे। बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे और दाएं हाथ को कंधे की सीध में ला करके पूरी तरह से बेंट हो जाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए अपोजिट साइड बेंट करना, अपनी हथेली को देखना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। 10-10 बार दोनों ओर दोहराने के बाद हाथों को मिला लें, पैरों को नज़दीक ले आएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, प्रयत्न शैथिल्यम। पैरों को उसे दुगनी चौड़ाई में खोलना, सांस भरते हुए हाथों को फैलाना, आगे की ओर झुकना और फिर ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हैंड से अपने पैर के पंजे को छूना, इसी क्रिया को दूसरी ओर दोहराना। 10-10 के 3 राउंड आप करेंगे, यानी 30 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे से अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे, हाथों को मिला लेंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। चक्की चालन गति के लिए पैरों को सामने फैला करके बैठें, दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से आपस में बांध लें और जैसे आप देख रहे हैं पूरा मूवमेंट एक पैर से दूसरा पैर और फिर बड़ा सा चक्र बनाना क्लॉकवाइज, 5-10 बार क्लॉकवाइज करें और फिर 5-10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। ऐसा करते समय पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को, हैमस्ट्रिंग मसल्स पर पड़ने वाले स्ट्रेच को और रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। जब 10-10 बार कर लें तो हाथों को ऐसे पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। व्याघ्र गति के लिए घुटनों के बल आ जाना, चेहरा सीधा रखते हुए सांस भरते हुए कमर का आर्क बनाना, पंजे से सर को छूने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर घुटने से माथे को छूने की कोशिश, जो कि संभव नहीं है पर ऐसा करने का प्रयास करना, 10 बार एक पैर से और फिर 10 बार दूसरे पैर से दोहराना। 10-10 के 3 राउंड आप करेंगे और फिर 10 रिपीटिशंस के बाद वज्रासन में रिलैक्स हो जाएंगे। व्याघ्र गति वेरिएशन 1 के लिए भी इसी प्रकार से घुटनों के बल आ जाना, छोटे बच्चे की तरह चेहरे को सीधा रखना, सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाना और फिर पैर को अप डाउन मूवमेंट देना, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 10 बार आप ये मूवमेंट एक पैर से देंगे और फिर 10 बार इस मूवमेंट को दूसरे पैर से दोहराएंगे। 10-10 के 3 राउंड आपको करने हैं और हर राउंड के बीच में आप वज्रासन में रिलैक्स होकर के बैठेंगे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल ड्यूरिंग एंटायर प्रैक्टिस, सांस आपकी बिल्कुल नॉर्मल गति से चलती रहेगी। मॉडिफाइड वर्जन हम यहाँ पर कर रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द रहता है। कमर के बल लेटना, दोनों पैरों को पेट के अगेंस्ट प्रेस कर देना और साइकिल जैसी मूवमेंट हमें करना है, हाथ से भी और पैर से भी। जो लोग पाद हस्तचालन गति का अभ्यास नहीं कर सकते वो ही मॉडिफाइड वर्जन करेंगे, 10 times क्लॉकवाइज और फिर 10 times एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना। 10 रिपीटिशंस का 1 राउंड है और आपको करने हैं 3 राउंड्स, लेकिन हर राउंड के बाद कमर के बल लेट करके शरीर को ढीला जरूर छोड़ें। अपने कमर के बल लेट जाना, कमर को गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पैर का बड़ा चक्र बनाना, घुटने को बिना फोल्ड किए हुए जितना बड़ा चक्र आप बना सकते हैं, क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऐसा करते इस समय कमर आपकी पूरी तरह से ढीली छुटी हुई है, तो जिन लोगों को कमर में दर्द की समस्या है वो भी इसका अभ्यास इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ द टाइम पर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप पूरी तरह से इसको स्किप कर दें या क्विट कर दें। 10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बाद दूसरे पैर से इसी प्रकार से बड़ा चक्र बनाना और 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और 10-10 बार करने के बाद रिलैक्स करें और 10 रिपीटिशंस का 1 राउंड आपको करने हैं 3 राउंड्स, बट हर राउंड के बाद रिलैक्स होना जरूरी है।